सेठ जी, सेठ जी। हाँ बोलो सेठ जी। राम राम। अरे तेरी तो बहुत बार की नजर आने, एकदम ही पहचान लिया कि मैं सेठ जी हूँ। ऐसे तो बताओ किस लिए आए हो तुम? मुझे अपना घर गिरवी रखना है। तुमको भी? तुमको भी? कोई और भी आया था? अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे आटे रहते हैं नी, और वैसे भी ये तो हमारा खानदानी पेशा है। देखो तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ 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 आओ, बैठो ढीकरा, ये हमारा खानदानी पेशा है, जानते नहीं हो? हाँ तो ढीकरा देखो, पानी तुम पियोगे नहीं, चाय यहाँ बनती नहीं, और खाना बनाने के लिए नौकर है नहीं। हाँ तो बताओ तुम क्या लोगे? है? रही क्या गया, पर मैं भी छट्टू हूँ, कुछ तो लूंगा, थोड़ी सी चीनी खिला दो। चीनी? अरे चीनी तो बहुत खराब होती है टिकड़ा, अगर तुम चीनी खाओगे चीनी से शुगर बढ़ जाती है, शुगर हो जाता है तो फेफड़े खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हुए तो लिवर ठप हो जाता है, लिवर ठप हो गया तो आदमी मर जाता है। तो चीनी तो कभी खानी भी नहीं चाहिए। अब क्या क्या लाऊं? मैं चीनी कभी नहीं खाऊंगा, नमकीन मांग लेता हूँ। नहीं नहीं, नमकीन ही खिला दो फिर। नमकीन? अरे टिकड़ा लगता है तुमको तो बहुत भूख लगी हुई है। अरे घर से नाश्ता करके नहीं आते क्या? लो, लो। अरे घर से नाश्ता करके आया करो, नहीं तो बाहर भी नहीं मिलता। पर भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा, ठीक है ना? रुक जाओ। सेठ जी तो बड़े दयावान हैं, आने वाले का कितना ख्याल रखते हैं, किस चीज से क्या नुकसान हो सकता है सब बता देते हैं, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। हेलो डिकड़ा। ये सेठ तो मेरा भी गुरु निकला। डिकड़ा सोच कर रहे हो, खाओ नहीं? सेठ जी इतनी सारी नमकीन खाई नहीं जाएगी। अरे डिकड़ा तुम चिंता क्यों कर रहे हो? बेशरम नहीं होना चाहिए हमें ना? हाँ तो बताओ कितना पैसा चाहिए तुमको? 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। तुमको भी? मतलब यहाँ कोई और भी आया था? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा खानदानी पैसा है नहीं। अरे हमारे तो बुजुर्ग भी कागज के बदले घर गिरवी रख लिया करते थे। वो कागज, तुम कागज लाए हो नहीं? हाँ कागज लाया हूँ सेठ जी। ढिकरा पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? वैसे तुमको कितने दिन के लिए चाहिए? एक बार मोहिनी से शादी हो जाएगी, कुछ दिन बाद में करोड़पति बन जाऊंगा, और फिर इसके सारे पैसे ब्याज सहित इसके मुंह पर फेंक के मारूंगा। बस सिर्फ 1 महीने के लिए? 1 महीने के लिए ना, देख लो। देख लो, अगर तुमने 1 महीने में नहीं दिया तो पैसे तुम्हारे, मकान मेरा, तो मंजूर है? पर बैठा? हाँ मुझे मंजूर है। तो ठीक है मैं भी आया, बैठो। मोहिनी मैं आ रहा हूँ शादी के लिए। ये लो डिकरा, तुम्हारे 2.5 लाख रुपए। इस पे थोड़ा सा साइन कर दो, इसमें लिखा है अगर तुमने 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो मकान मेरा और पैसे तुम्हारे, ठीक है? 1 मिनट, ये करना है, कटो कटो। सोच कर रहे हो? ठीक है डिकरा, 1 महीना तो 1 महीना। जी ठीक है डिकरा। ठीक है? ठीक है, अब जाओ। रास्ता उधर है।